हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल एजुकेशनल हाइक्स। आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जो कि क्लास 8 एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर नंबर 4 है। हमने ऑलरेडी 3 चैप्टर्स क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो, सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। उन चैप्टर्स की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, नहीं तो चैप्टर का नाम और स्लैश करके एजुकेशनल हाइक्स गूगल या YouTube पर सर्च करिए, हमारी वीडियोस आपको मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है चैप्टर को, काफी डिमांडेड वीडियोस थी, कई सारे स्टूडेंट्स ने मुझे डायरेक्ट मैसेज किया इस चैप्टर के लिए, कमेंट किया, तो चैप्टर बहुत अच्छे से हमने समझाया है। फिगर्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, नोट्स, सब कुछ ध्यान में रखा है आपके लिए। लेकिन यार, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक तो प्लीज रेड बटन दबा के सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मटेरियल्स, मटेरियल्स क्या होता है? मटेरियल्स होता है जो भी चीजें हमारी अगल बगल होती हैं और जिन चीजों को हम देख सकते हैं, जो चीजें स्पेस को ऑक्यूपाई करती हैं, मतलब जगह को घेरती हैं, उनको हम मटेरियल कहते हैं। ठीक है, मटेरियल वर्ड ही मैटर से बना है, मैटर मतलब तो जानते ही हो। तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मटेरियल्स को हम दो तरीकों में डिवाइड करते हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, धातु जिसे हम बोलते हैं और नॉन मेटल्स जो धातु नहीं होते हैं। यू आर फैमिलियर विथ अ नंबर ऑफ मटेरियल्स लाइक आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर, सम मटेरियल्स हैव बीन गिवन इन टेबल 4.1। तुम ऑलरेडी बहुत सारे मटेरियल्स को जानते होगे, जैसे लोहा हो गया, एल्युमिनियम हो गया, कॉपर, तांबा हो गया। ठीक है, इनमें से कई मटेरियल्स इस टेबल 4.1 में दिए गए हैं। हम इस टेबल 4.1 में पढ़ेंगे कि जो भी मटेरियल्स हैं उनका अपीयरेंस कैसा है, मतलब वो बाहर से कैसे दिखते हैं और वो सख्त होते हैं कि नहीं, हार्ड होते हैं कि नहीं। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। आयरन, आयरन चमकदार होता है ना, शाइनी, इसलिए हम इसको लिखेंगे शाइनी। ठीक है, हार्ड होता है कि नहीं लोहा, तो वेरी हार्ड हम लिख देंगे। कोल, कोल का मतलब कोयला, कोयला चमकदार नहीं होता, इसलिए हम इसको लिखेंगे डल, और ये हार्ड भी नहीं होता क्योंकि तुम हथौड़ी से कोयले पर अगर चोट करोगे तो कोयला टूट जाएगा, इसलिए नॉट वेरी हार्ड। सल्फर, सल्फर चमकदार नहीं होता है, डल होता है, इसलिए हम इसको लिखेंगे डल, और ये हार्ड भी नहीं होता, इसलिए लिखेंगे हम नॉट वेरी हार्ड। एल्युमिनियम, एल्युमिनियम चमकदार होता है और उतना ही ज्यादा सख्त होता है, तो वेरी हार्ड लिखेंगे हम। कॉपर चमकदार होता है, शाइनी होता है और हार्ड भी होता है, इसलिए हम इसको लिखेंगे वेरी हार्ड। तो आप देख पा रहे हो कि यहां पर 5 मटेरियल्स हैं और इन 5 मटेरियल्स में 3 मटेरियल चमकदार भी है और सख्त भी है, 2 मटेरियल डल हैं और नॉट वेरी हार्ड हैं। कैन यू नेम द मटेरियल्स विच आर मेटल्स, क्या तुम इनमें से बता सकते हो कौन से मेटल्स हैं, कौन से नॉन मेटल्स हैं? हाँ, जो साइनी हैं और जो वेरी हार्ड हैं वो मेटल्स कहलाते हैं, बाकी जो कोल और सल्फर है उसको हम नॉन मेटल्स कहते हैं। द रेस्ट ऑफ द मटेरियल्स इन टेबल 4.1 आर नॉन मेटल्स, वही बताया गया है कि जो साइनी नहीं है, जो वेरी हार्ड नहीं है, उनको हम नॉन मेटल्स कहते हैं। रिकॉल दैट लस्टर एंड हार्डनेस आर फिजिकल प्रॉपर्टीज, एक बात का ध्यान रखना कि किसी भी मटेरियल का जो शाइन, जो लस्टर होता है, लस्टर का मतलब चमक होती है, और जो उसकी सख्ती होती है, कठोरता होता है, हार्डनेस होती है, वो मटेरियल्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं, मतलब बाहर से जो मेटल्स होते हैं वो चमकदार होते हैं और हार्ड होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मतलब मेटल्स और नॉन मेटल्स बाहर से दिखने में कैसे लगते हैं। Have you ever seen a blacksmith beating an iron piece or an article made up of iron? क्या तुमने कभी लोहार को देखा है कि वो लोहे के टुकड़े पर जब मार रहा हो, या लोहे से बनी किसी चीज, जैसे स्पेड, कुदाल हो गया, अ सोवेल, खुरपी हो गई, कुल्हाड़ी हो गई, जब लुहार इन सब चीजों को अपने हथौड़े से मारता है तो क्या होता है? डू यू फाइंड अ चेंज इन द शेप ऑफ दीज आर्टिकल्स ऑन बीटिंग, क्या तुमने कभी देखा है कि ये जितने भी आर्टिकल्स होते हैं, चाहे कुदाल हो गया, खुरपी हो गई, या लोहे से बनी कोई भी चीज हो गई, क्या इनके आकार में बदलाव आता है जब लोहार इन्हें हथौड़ी से मारता है? वुड यू एक्सपेक्ट अ सिमिलर चेंज इफ वी ट्राई टू बीट अ वुड लॉग, और क्या अगर हम लकड़ी को भी
अगर लकड़ी को भी लोहार हथौड़े से मारे तो क्या उनका आकार बदलेगा? नहीं। अगर हम मेटल्स जैसे हमारा खुलपी हो गया, कुदाल हो गया, या आयरन से बनी कोई भी चीज हो गई, अगर उसको लोहार अपने हथौड़े से मारता है तो वो चीजें अपना शेप बदल लेती हैं, मतलब टेढ़ा हो जाता है, कभी कभी चौड़ा हो जाता है। लेकिन अगर लकड़ी को हम अपने बहुत हैमर से मतलब हथौड़ी से अगर हम उसे मारेंगे, उस पे चोट करेंगे, तो वो टूट जाएगा। ठीक है, लेट अस फाइंड आउट, चलो इसको पता करते हैं कि ये सारा प्रोसेस कैसे होता है। एक्टिविटी 4.1। अब एक्टिविटी 4.1 को करने के लिए आपको चार चीजों की जरूरत पड़ेगी। एक छोटा सा लोहे का कील ले लो, एक कोयला का टुकड़ा ले लो, एक अल्मोनियम का मोटा सा तार ले लो, और एक पेंसिल की लीड जो ग्रेफाइट की बनी होती है, पेंसिल की लीड, नटराज की पेंसिल ले लो, उसकी जो लीड होती है ब्लैक कलर की, उसको ले लो। अब क्या करो, इन चारों चीजों को हथौड़ी से मारो। क्या होता है ये ऑब्जर्वेशन हम यहां पर पढ़ेंगे। देखो, ऑब्जेक्ट मटेरियल का नाम लिखा है आयरन, कोल, अल्मोनियम, पेंसिल। अब इनको हम देखते हैं, जब इस पे हमने हथौड़ी से मारा तो क्या हुआ, जब आयरन नेल मतलब लोहे के कील को हम हथौड़ी से मारते हैं तो इसका शेप बदल जाता है, मतलब ये कील और चौड़ा हो जाता है, फ्लैटेंस, फैल जाता है। लेकिन कोल पीस, कोयले का जो टुकड़ा होता है, वो टूट जाता है। वैसे ही एल्युमिनियम वायर, एल्युमिनियम का जो तार होता है, वो फैल जाता है अगर इसको हथौड़ी से मारा जाए, लेकिन वहीं पर जो पेंसिल की लीड होती है वो टूट जाती है। अब ये क्यों होता है, चलो आगे पढ़ते हैं। यू शो दैट द शेप ऑफ द आयरन नेल एंड द एल्युमिनियम वायर चेंज्ड ऑन बीटिंग। तुमने देखा कि जो लोहे का कील होता है और जो एल्युमिनियम का तार होता है, जब इस पे बहुत तेज से बीट किया जाए, चोट किया जाए, तो ये क्या हो जाते हैं, ये अपना आकार बदल लेते हैं। इफ दे वर बीटन हार्डर, और अगर लोहे को या एल्युमिनियम को या किसी भी मेटल को बहुत तेजी से बहुत लंबे समय तक पीटा जाए, बीट किया जाए, तो क्या हो जाता है, दिस कुड बी चेंज इनटू शीट्स। ये पतले पतले शीट्स में बदल जाते हैं। शीट का मतलब तो पता ही ना, जैसे कागज की शीट होती है पतला पतला, वैसे ही मेटल की भी शीट हो जाती है। यू माइट बी फैमिलियर विद सिल्वर फॉइल यूज्ड फॉर डेकोरेटिंग स्वीट्स। तुमने देखा ही होगा कि सिल्वर फॉइल, जो सिल्वर फॉइल का यूज हमारे मिठाइयों को सजाने के लिए यूज होता है, आपने देखी होगी, कई मिठाई हो गई, जैसे काजू कतली हो गया। आप काजू कतली तो खाई होगी भाई, तो काजू कतली के ऊपर देखोगे ना, चमकदार एक कोटिंग लगी होती है, तो वो किसकी होती है, वो सिल्वर की होती है, सिल्वर फॉइल की होती है। ठीक है, यू मस्ट ऑल्सो बी फैमिलियर विद द एल्युमिनियम फॉइल यूज फॉर रैपिंग फूड। तुमने यहां तक ये भी देखा होगा कि कभी रेस्टोरेंट या कभी होटल में गए होगे ना, तो वहां पर अपना अगर तुमने खाना पैक कराया होगा तो एक चमकदार फॉइल, एक चमकदार चीज में वो लपेट के देते हैं, कवर करके देते हैं, उस चमकदार चीज को हम एल्युमिनियम फॉइल कहते हैं। ठीक है, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। मेटल्स, धातु की वो प्रॉपर्टी जिससे वो छोटे छोटे मतलब पतले पतले शीट्स में कन्वर्ट किए जाते हैं, उनको हम मैलियाबिलिटी कहते हैं। फिर से सुन लो, मेटल्स की वो प्रॉपर्टी जिनसे हम मेटल्स को पतले पतले शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसे हम मैलियाबिलिटी कहते हैं। समझ गए, यहां पे एग्जैक्ट डिफिनेशन दी गई है कि द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स इज कॉल्ड मैलियाबिलिटी। दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। ये मेटल्स की बहुत ही महत्वपूर्ण गुण होते हैं, क्वालिटी होता है कि जो मेटल्स होते हैं वो मैलिएबल होते हैं, हम उनको पतले पतले शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। एज यू मस्ट हैव नोटिस्ड, मटेरियल्स लाइक कोल एंड पेंसिल लीड डू नॉट शो दिस प्रॉपर्टी। कैन वी कॉल दिस एज मेटल्स? तुमने देखा कि कोयला हो गया या पेंसिल की लीड हो गई, वो ये प्रॉपर्टी नहीं शो करते हैं, वो मैलिएबल नहीं होते हैं। क्या हम इन्हें फिर भी मेटल्स कहेंगे? नहीं। जो चीजें मैलिएबल नहीं होती, मैलिएबल का मतलब अगर उस पे पीटा जाए तो वो शीट्स में कन्वर्ट नहीं होती, उन्हें हम मेटल्स नहीं कहते हैं। ठीक है, कैन यू होल्ड अ हॉट मेटेलिक पैन विच इज विथाउट अ प्लास्टिक और अ वुडन हैंडल एंड नॉट गेट हर्ट? क्या तुम कभी किसी मेटेलिक का मतलब हमारे जो बर्तन होते हैं, अगर उस पे हैंडल ना लगा हो, पकड़ने वाला जो प्लास्टिक का बना होता है या लकड़ी का बना होता है, अगर वो हैंडल ना हो तो क्या हम उसे पकड़ सकते हैं और ऐसा पकड़े कि हमें चोट भी ना लगे, हम जले भी ना? तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना, परहैप्स नॉट। व्हाई, ऐसा क्यों नहीं होता? ट्राई टू लिस्ट सम अदर एक्सपीरियंसेस इन विच अ वुडन और प्लास्टिक हैंडल प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम बीइंग हर्ट व्हाइल हैंडलिंग हॉट थिंग्स। ठीक है, अब देखो,
क्या करते हैं, तुम इन सारी चीज़ों का लिस्ट बनाओ कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिसको हम पकड़ के हीट और इलेक्ट्रिसिटी, मतलब अगर हम बिजली या गर्मी के संपर्क में आए तो हमें चोट नहीं लगेगा या हमें नुकसान नहीं पहुंचेगा। अब इन सारी एक्सपीरियंस, इन सारे अनुभव के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि अबाउट द कंडक्शन ऑफ हीट बाई वुड एंड प्लास्टिक, हम इतना तो कह सकते हैं ना कि जो लकड़ी होती है और वो प्लास्टिक होता है उसको हैंडल क्यों बनाया जाता है, उसको ताकि उसमें हीट, मतलब जो गर्मी है वो हमें, हमारा हाथ ना जला दे, या अगर उसमें करंट पास आउट हो तो हमें करंट ना लगे, इसलिए लकड़ी और प्लास्टिक्स का यूज। हमारे तवा जानते ही होगी जिसपे रोटी पकाई जाती है, वो भी लकड़ी का हैंडल बना होता है। चाहे हमारी कढ़ाई ही हो गई, उस पर भी देखो प्लास्टिक का हैंडल बना होता है। ठीक है, यू मस्ट हैव सीन एन इलेक्ट्रीशियन यूजिंग हिज स्क्रू ड्राइवर, तुमने इलेक्ट्रीशियन को देखा होगा जो तुम्हारे यहाँ टीवी फ्रिज ये सब पंखा वंखा बनाने आते हैं, उनको तुमने देखा होगा कि वो जो स्क्रू ड्राइवर, मतलब जो पेचकस का यूज करते हैं, उसका भी जो हैंडल होता है वो प्लास्टिक का बना होता है। वो तुम्हें बताना है कि व्हाट काइंड ऑफ हैंडल डज इट हैव, उनका हैंडल किस चीज का बना होता है, प्लास्टिक का बना होता है। अब क्यों प्लास्टिक का बना होता है, ताकि उसमें करंट या बिजली ना आए। ठीक है, अब देखते हैं इसी को हम एक्टिविटी से पता करते हैं। ये आपने देखो एक बैटरी लगी है और एक आपका बल्ब लगा है, बीच में कील लगी है, आयरन कील लगी है। आपको क्या करना है, हर चीजों को बार बार इसमें, जैसे कील के जगह कभी कोयला रख दो, कभी पेंसिल की लीड रख दो, कभी प्लास्टिक रख दो, कभी लकड़ी रख दो, क्या देखो हर बार ये बल्ब जल जाती है। जिसके साथ ये बल्ब जलता है उसको हम मेटल्स कहते हैं, और जिसके लगाने से ये बल्ब नहीं जलता उनको हम नॉन मेटल्स कहते हैं। वही हमें यहां पर रिजल्ट में लिखना है। चार मटेरियल दिए गए हैं, हमें बताना है कि कौन से मटेरियल गुड कंडक्टर है, कौन सा पुअर कंडक्टर है। गुड कंडक्टर का मतलब कौन सा इलेक्ट्रिसिटी पास करता है और कौन से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करता। जैसे लोहा, आयरन हम जानते हैं गुड कंडक्टर है, सल्फर पुअर कंडक्टर है, कोयला पुअर कंडक्टर है, कॉपर के जो तार हमारे घरों में लगाए जाते हैं, अब तार लगाया जाता है तो इलेक्ट्रिसिटी तो पास होगी ही, तो उसको हम गुड कंडक्टर कह देंगे। ठीक है, यू ऑब्जर्व दैट आयरन रॉड, नेल एंड कॉपर वायर आर गुड कंडक्टर्स। तुमने देखा कि जो लोहे का जो कीला है और जो लोहे का रॉड है और कॉपर का तार है, ये गुड कंडक्टर्स कहलाते हैं, और वहीं पर जो हमारा सल्फर हो गया, कोयला हो गया, ये पुअर कंडक्टर्स कहलाते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी अपने से पास नहीं होने देते। अब देखो ये लड़की क्या कह रही है, कह रही है कि द मीनिंग ऑफ रिकॉलिंग आवर एक्सपीरियंसेस एंड देन ऑफ दिस एक्टिविटी, मतलब ये सारी एक्टिविटी हम जो कर रहे हैं इसका क्या मतलब है, कि इसका ये मतलब है कि जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर्स होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, जो कि हमने क्लास 6 में ऑलरेडी पढ़ चुका है। अब एक बात यहाँ से क्लियर हो गई है कि जो मेटल्स होते हैं, जैसे लोहा हो गया, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ये सब गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। वेयर डू यू फाइंड द यूज ऑफ एल्युमिनियम एंड कॉपर वायर्स, अब हम एल्युमिनियम और कॉपर के तारों का प्रयोग कहाँ करते हैं। ठीक है, अब जानते हो तार है, वायर है, तो इनका यूज कहीं ना कहीं तो होगा ही, चाहे पंखे के तार में हो गया। अब हमारा कॉपर का यूज कहाँ पे होता है, जो हमारे पंखों में वो लगी होती है, क्या बोलते हैं, तार लगे होते हैं अंदर, वहां पे होता है। एल्युमिनियम के तार होते हैं, क्या तुमने कभी कोयले के तार देखे हैं, क्या नहीं देखे हैं ना। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाई विच इट कैन बी ड्रॉन इन टू वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। अब यही प्रॉपर्टी मेटल्स की, वो प्रॉपर्टी जिनसे हम उन्हें तार में, वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको हम डक्टिलिटी कहते हैं। फिर से देख लो, डक्टिलिटी क्या होता है, वो मेटल्स की वो प्रॉपर्टी होती है जिसकी मदद से हम मेटल्स को तार में, वायर्स में कन्वर्ट कर देते हैं, उसको हम डक्टिलिटी कहते हैं। हैव यू एवर नोटिस्ड द डिफरेंस इन साउंड ऑन ड्रॉपिंग एन आयरन शीट प्लेट, अ मेटल क्वाइन एंड अ पीस ऑफ कोल ऑन द फ्लोर। क्या तुमने कभी लोहा जब गिरता है जमीन पर तो उसकी आवाज को तुमने सुना है, कोई प्लेट गिरता है तो उसकी आवाज़ को सुना है, कोई सिक्का जो हम क्वाइन लेते हैं 5 रुपए 10 रुपए की क्वाइन, उसको जमीन पे गिरा के देखो, देखो क्या आवाज़ देता है क्या। और वहीं पर जगह तुम कोयले को गिरा कर देखो, क्या कोयला भी कोई आवाज़ देता है क्या। अगर नहीं देता तो यू कैन ट्राई इट नाउ, अगर तुमने कभी ऐसा नहीं किया है तो क्या करो, क्वाइन सिक्का लो उसको गिराओ, फिर कोयला लो, लकड़ी लो, इन सबको जमीन पे गिराओ और नोटिस करो, देखो क्या होता है। डू यू नोट एनी डिफरेंस इन द साउंड प्रोड्यूस
प्रोड्यूस, क्या तुमने कोयला के गिरने से जो आवाज निकली है और जो लोहे के गिरने से आवाज निकली है, इन दोनों आवाजों में तुम डिफरेंस देख सकते हो क्या? कोई फर्क है क्या? आगे हम पढ़ते हैं, हैव यू सीन वुडन बेल्स इन टेम्पल्स, क्या तुमने कभी लकड़ी के घंटे, लकड़ी के बेल्स देखे हैं मंदिर में? नहीं ना, नहीं देखे होंगे। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि लकड़ी कभी भी बजती नहीं है। मंदिरों में बेल क्यों लगाया जाता है? ताकि वो बजे। जब वो बजेगा नहीं तो वहां पर क्यों लगाया जाएगा? तो लकड़ी के बेल इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि वो रिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करता है। ठीक है, द थिंग्स मेड ऑफ मेटल्स प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड, वो सारी चीजें जो मेटल्स की बनी होती हैं वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करती हैं। रिंगिंग साउंड मतलब बजने का, बजने का जो उनका साउंड होता है, जो आवाज होती है वो आती है उनमें से जब उन्हें बहुत तेजी से स्टक किया जाए। स्टक का मतलब पीटा जाए। ठीक है, सपोज यू हैव टू बॉक्सेस, अब मान लो कि तुम्हारे पास दो बॉक्स हैं और दोनों दिखने में सेम हैं, लेकिन एक लकड़ी का बॉक्स है और एक मेटल का बॉक्स है। कैन यू टेल विच बॉक्स इज मेड अप ऑफ मेटल, क्या आप तुम बता सकते हो कि कौन सा जो बॉक्स है वो मेटल का बना है और कौन सा बॉक्स नॉन मेटल है? हाँ, जिसको हम दोनों को, लकड़ी के भी और लोहे के भी बॉक्स को हम पीटेंगे, अब देखेंगे जिससे आवाज आ रही है वो मेटल है, जिससे आवाज नहीं आ रही है वो नॉन मेटल है। समझ गए? सिंस मेटल्स प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड, अब हम जानते हैं कि जो मेटल्स होता है वो बजने की आवाज प्रोड्यूस करता है, इसलिए वो क्या होते हैं? सोनोरस होते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सोनोरस क्या होता है? कोई भी मेटल रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है, जो कोई भी मेटल जो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है उसे हम सोनोरस मेटल कहते हैं। क्या कहते हैं? सोनोरस मेटल। द मटेरियल्स अदर देन मेटल आर नॉट सोनोरस, और ऐसे पदार्थ जो मेटल्स नहीं होते हैं, जो नॉन मेटल्स होते हैं, वो सोनोरस नहीं होते हैं, वो बजने की आवाज प्रोड्यूस नहीं करते हैं। तो बेसिकली हमने यहां तक तीन पॉइंट्स पढ़ा, मैलियाबिलिटी पढ़ा, डक्टिलिटी पढ़ा और सोनोरस पढ़ा। मैलियबिलिटी का मतलब क्या होता है? द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन सीट्स, मतलब ऐसी प्रॉपर्टी मेटल्स की जिनमें हम मेटल्स को पतले पतले सीट्स में कन्वर्ट कर पाते हैं, उसे हम मैलियबिलिटी प्रॉपर्टी कहते हैं। डक्टिलिटी क्या होता है? डक्टिलिटी वो प्रॉपर्टी होती है मेटल्स को जिनमें हम मेटल्स को वायर्स में कन्वर्ट करते हैं। और सोनोरस क्या होता है? सोनोरस वो प्रॉपर्टी होती है जिससे कोई मेटल रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है। तो आई होप आपको यहां तक सारा सब कुछ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट मैं आपको जल्दी ही प्रोवाइड कर दूंगा, तब तक हमारी इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।